हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अपने किराना शॉप पर। गाइस, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगा कि अपने किराना शॉप को कैसे सजाएं, है ना। क्योंकि देखिए, बहुत से भाई ऐसे हैं जो अपने किराना दुकान को सजाना चाहते हैं बट उनके पास सामान कम होता है। लेकिन गाइस, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से और मेरे इस वीडियो को देख के आप अपने किराना शॉप को सजा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो किराना दुकान का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है ना, वो होता है दुकान की सजावटी। क्योंकि देखिए, जो दिखता है वही बिकता है। तो गाइस, मैं आपको आज लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी दुकान को सजा सकते हैं और किराना शॉप किस तरह सजता है, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। क्योंकि गाइस, आप देख सकते हैं हमारा किराना दुकान का होलिया किस तरह से हो चुका है, जो कि बहुत आपको खराब दिख रहा होगा, है ना। लेकिन मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी दुकान को सजा सकते हैं, है ना। गाइस, मैं सबसे पहले आपको मैं अपना किराना शॉप दिखाऊंगा। गाइस, सबसे पहले आप हमारी किराना शॉप को देख सकते हैं कि हमारा किराना शॉप कैसे है, और अभी मैं आपको किस तरह दिखाऊंगा सजा के कि किस तरह से आप अपने किराना शॉप को सजा पाएंगे और कैसे आपकी सेल बढ़ती है, सब कुछ इस वीडियो में होगा। बस वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा किराना शॉप कैसे है, और गाइस मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप सजा पाएंगे अपने किराना शॉप को और हमारा किराना शॉप किस तरह से आपको बेहतर दिखने वाला है। तो गाइस, आप प्रॉपर तरीके से पहले सबसे पहले हमारा किराना शॉप को देखिए कि किस तरह हमारा किराना शॉप है। अभी मैं आपको सजा के दिखाऊंगा और आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा भी कि किस तरह से आप अपने किराना शॉप को सजाएं, ताकि जो आपकी दुकान है ना वो अच्छी दिखे और अच्छे के साथ साथ में जो आपका सेल है ना वो बेहतर हो। क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, ये सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं किराना शॉप में, ठीक है ना। तो आप अपने किराना दुकान को किस तरह से सजा पाएंगे, गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइस, मैं आपको फोकस करता हूँ इस तरह से। गाइस, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है टाटा नमक। इस लाइन में आपको टाटा नमक दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे अभी पूरा भरा नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं आपको पूरा सजा के दिखाऊंगा कि अपनी दुकान का किस तरह सजा सकते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक नमक लगा के दिखाऊंगा किस तरह लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे पास जो नमक है ना इतना ही है, लेकिन गाइस मैं आपको इतने नमक में आपको मैं सजा के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपनी दुकान को सजा पाएंगे, कम सामान में भी अपनी दुकान को सजा के रखें, है ना। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो गाइस, आते ही हमारा चेयर है, और गाइस मैं आपको इसमें पूरा एक रैक में पूरा मैं नमक भर के दिखाऊंगा। क्योंकि गाइस, हमारे पास नमक कम है, तो मैं कुछ नमक पीछे रखा हूँ, है ना। तो फटाफट मैं इसको उठाता हूँ और अच्छे से फटाफट मैं आपको नमक पहले सजा के रखता हूँ, क्योंकि हमारे पास नमक कम है, तो हमको दुकान को भरनी है और अपनी दुकान की सजावट बेहतर करनी है। तो गाइस, किस तरह से हम अपने नमक को सजाएंगे, हमारे पास कम है, तो फिर भी मैं आपको इस नमक को कैसे सजाऊंगा, मैं गाइस आप देख सकते हैं। ताकि देखने में अच्छी लगे, और अगर जब भरा होता है तब दुकान बहुत बेहतर दिखती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस लाइन में इस तरह से आप अपनी दुकान को सजा सकते हैं। अगर आपके पास सामान कम है तो इस तरह सजा सकते हैं, जैसे कि आपके पास नमक कम है, हमारे पास नमक कम था, तो मैंने इस तरह से किया ताकि जो नमक है ना इस तरह से जब मैं रखूँगा तो देखिए हमारा जो रैक है ना अभी किस तरह से भरा भरा दिख रहा है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर टाटा नमक, फिर 10 बिक्री, फिर ये 5 बिक्री, फिर ये खड़ा नमक, गाइस आप देख सकते हैं। अब गाइस, मैं इस रैक में कापी वगैरह करूँगा ताकि देखने में अच्छा लगे और हमें देने में आसानी हो। मैं फैन को उठाऊँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ख़राब दिख रहा है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं इस फैन को उठाऊँगा और यहाँ पर मैं कापी वगैरह रखूँगा ताकि देखने में अच्छी लगे, और ये पूरे रैक में सिर्फ कापी वगैरह सिर्फ रहे बस, ताकि देखने में अच्छा लगे, प्रोफेशनल लगे, है ना। हमको अपना दुकान ऐसे सजाना चाहिए, और आप भी ऐसे सजाएं अपनी दुकान को, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा दिखेगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमारी इस वीडियो से। तो बस वीडियो बने रहिएगा। गाइस, सबसे पहले इस फायर को मैं उठाता हूँ और उठा के मैं रखता हूँ साइड में। तो गाइस, इस रैक को मैं ऊपर रखूंगा ताकि देखने में हमारी दुकान अच्छी लगे। सबसे खास की बात, इस रैक के बराबर आपको रखना है, वो कोई भी सामान हो गया आप किराना शॉप का, है ना। आप कोई भी सामान रखें इस तरह से रखें, इस रैक के बराबर, है ना, ताकि देखने में अच्छी लगे और ये चीज़ें बाहर ना दिखे। तो गाइस, ये 20 बिक्री कापी है। अब गाइस, ये कापी को मैं इस रैक में रखूँगा, है ना, ताकि एक लाइन में एक रैक में पूरा सिर्फ कापी वगैरह दिखे। तो गाइस, ये 15 बिक्री कापी है। गाइस, मैं यहाँ इस रैक में रखूँगा ताकि ये रैक भर जाए और देखने में अच्छा लगे। गाइस, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपनी दुकान को सजा के रख रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग भी इस तरह से कर पाएँ और आपकी दुकान अच्छी दिखे, है ना। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है किराना दुकान का, अपनी दुकान की सजावटी। क्योंकि देखिए, जब सजावटी बेहतर होगी तो आपकी दुकान भी अच्छी दिखेगी। गाइस, मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इस तरह से कर पाएँ मेरी इस वीडियो के माध्यम से, मेरी इस वीडियो को देख के आप भी अपनी दुकान को सजा पाएँ इस तरह से। वैसे ये है 10 बिक्री कापी जो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, है ना।
गाइस आप देख सकते हैं, इस तरह से आप भी कीजिए और अपनी दुकान को सजाइए, अपनी दुकान को डेकोरेट कीजिए, है ना। जब आपकी दुकान बेहतर सजी होगी तो आपको बहुत कुछ आसानी होगी। कस्टमर इसी चीज़ को देखते हैं, जहाँ भी दुकान अच्छी सजी होती है वहीं पर कस्टमर भागते हैं, है ना। तो आप इस तरह से आप भी कीजिए, इस तरह से दुकान की डेकोरेट कीजिए, इस तरह से सजाइए। और गाइस खास करके कोई भी सामान हो, इस तरह से आप रैक के बराबर रखेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी प्रोफेशनल लगता है और काफ़ी अच्छा दिखता है, है ना। अब गाइस मैं रैक में लगाऊंगा, यहाँ पर मैं इस रैक में लगाऊंगा 5 बिक्री काफ़ी, जो कि अब मैं हर वैरायटी यहाँ काफ़ी लगाऊंगा 5 बिक्री में। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ तक अपनी दुकान को, अपने रैक को भर चुका हूँ। अब बचा है ये, अब मैं इसे कहाँ पर लेके जाऊँ ताकि देखने में अच्छा लगे, है ना। तो गाइस मैं इस चीज़ को यहाँ पर नीचे रैक में रखूँगा ताकि देखने में अच्छा लगे। अब इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पर रखूँगा ना तो बहुत ख़राब दिखता है, देखिए खुद देखिए आप, अगर यहाँ पर रखूँगा ना बहुत ख़राब दिखेगा। अब मैं इस चीज़ को उठा के यहाँ पर इस रैक में रखूँगा ताकि देखने में अच्छा लगे और हमको आसानी हो देखने में। और देखिए यहाँ पर रखूँगा ना कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर मैं ऊपर में रखूँगा तो दिक्कत होगी, है ना, इससे बता दिखता है ना। क्योंकि आपको अपनी दुकान को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से डेकोरेट करके रखना है। चलो तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा जो फ़ैन है ना, फ़ैन कम है तो इस फैन को मैं इस तरह लगाऊंगा ताकि जो हमारा रैक है ना ये भरा भरा दिखे। जब भरा भरा दिखेगा ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा और हमारी दुकान भरी दिखेगी, क्योंकि हमारे पास सामान कम है। तो सामान कम होने के कारण हमको इस तरह से रखना पड़ रहा है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये फाइनली जो हमारा बिस्कुट का रैक था ये हो चुका है। अब बचा है इस रैक खाली है, तो इस रैक में मैं लगाऊंगा राजेश मसाला, क्योंकि गाइस ये राजेश की पूरी बोरी है। गाइस मैं आपके सामने ओपन करूंगा, अगर आपको नहीं पता ये राजेश बोरी का होलसेल रेट क्या है और कितना पड़ता है, ये एक पैकेट आपको कितना सस्ता पड़ता है, तो मेरे चैनल पर जाइए और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, है ना, जाके वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कितना सस्ता पड़ता है और कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन होता है। अब गाइस मैं इस रैक में यहाँ पर नीचे मैं इस राजेश मसाला लगाऊंगा। गाइस आप देख सकते हैं ये है राजेश मसाला, और गाइस ये एक बोरी कितना पता है, कितना स्कीम निकलता है आपको इसमें, बहुत स्कीम मिलता है एक बोरी लेने पर, बहुत ज़्यादा स्कीम मिलता है और बहुत अच्छा खासा फ़ायदा भी होता है। अगर आप बोरी लेते हैं ना तो आप अगर एक बार बोरी ले लेंगे ना तो बार बार आप बोरी लेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लेंगे ना बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होगा इस राजेश मसाला बोरी लेने पर। तो गाइस फाइनली अब बचा है ये तेल का रैक, जो कि मैं ये तेल का रैक भरने जा रहा हूँ। तो गाइस आप इस तरह से लगाएंगे तो आपकी दुकान काफ़ी बेहतर दिखेगी और आपको भी अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास तेल कम है ना, अगर आपका रैक खाली है तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे ना तो आपका रैक भर जाएगा और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। क्योंकि देखिए हमारे पास तेल कम था इसलिए मैंने इस तेल को इस तरह से लगाया हूँ। क्योंकि देखिए जो तेल है ना 2 लीटर 1 लीटर मैं हर रैक में नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि हमारे पास तेल कम है। क्योंकि देखिए जो तेल का साइज़ है ना हमारे पास पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं है, बस हमको अपनी दुकान को भरनी है और कस्टमर को लगे कि हाँ भाई दुकान भरी है। इस वजह से ये 200 ग्राम क्लासिक तेल को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, है ना, ताकि हमारी दुकान भरी भरी लगे और देखने में अच्छी लगे। तो वाकई में बहुत खूबसूरत दिखेगी और आपको बहुत ज़्यादा सजावटी ठीक है और आपकी सेल नहीं होती है। अगर आपकी दुकान अच्छी दिखेगी तो कस्टमर ऑटोमेटिक आपकी दुकान पर अट्रैक्टिव होंगे, है ना, और आपको भी फ़ायदा होने लगेगा आपकी दुकान से। तो गाइस फाइनली हमारा जो रैक था अपनी दुकान को सजावट कर चुका हूँ। गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह से किया। गाइस आप देख सकते हैं
इस तरह से मैंने अपनी दुकान को सजा के रखा है ना, यानी कि अपनी दुकान को यानी कि मैं अपने रैक को भरा इस तरह से। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ नमक दिखेगा और इस रैक में आपको सिर्फ कापी वगैरह दिखेगी और इस रैक में आपको बेकरी का पूरा सामान दिखेगा। और बच्चा ये रैक तो ये रैक बिस्किट का है, पूरा ये रैक बिस्किट में आपको भरा दिखेगा। देखिए अगर कोई रैक बिस्किट का है तो सिर्फ आपको उस रैक में पूरा बिस्किट ही नजर आए कस्टमर को और आपको भी अच्छा लगे दुकान अपनी। और कैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस रैक में आपको तिल्ली का तेल दिख रहा होगा, पूरे रैक में आपको तिल्ली तेल दिखेगा ऊपर से लेकर नीचे तक। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस रैक में तेल वगैरह जो कि हमारे पास इसकी साइज पूरी नहीं थी। अपने इस तेल के रैक को भरा हूँ गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से नीचे तक आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मैंने अपनी दुकान को सजावट करके रखा आप देख सकते हैं। तो गाइस मेरी दुकान आपको कैसे दिख रही है, आपको मेरी वीडियो से क्या सीख मिली कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।